गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राकेश शर्मा, गोमती देवी पीजी कॉलेज बड़ागांव, विषय इतिहास। जैसा कि आप सबको पता है, ये जो नया सत्र है उसमें बीए पास फर्स्ट ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं सबको मेरी तरफ से इस महाविद्यालय में हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपन अपनी जो क्लास प्रारंभ की जा रही है वो इतिहास की है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सबको पता है, अपने फर्स्ट ईयर के अंदर इतिहास की दो पुस्तकें चलती है। पेपर पहला, जो पहली पुस्तक चलती है उसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें जो कहां से शुरू होता है, प्रारंभ से शुरू होता है, प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी। प्राचीन भारत का जो इतिहास है, जो आपका पेपर फर्स्ट है, पहली पुस्तक है, वो प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक चलती है। दूसरी जो पुस्तक है वो अपने राजस्थान से रिलेटेड है, अर्थात उसका नाम है राजस्थान का इतिहास। ये आपका दूसरा पेपर है, राजस्थान का इतिहास। ये भी अपना प्रारंभ से लेकर 1956 तक, जो राजस्थान का इतिहास है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में, ये 1956 तक। तो पहला पेपर तो हो गया अपना प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा पेपर हो गया कौन सा, राजस्थान का इतिहास। अपन राजस्थान से है, अपना लोकल इतिहास चलता है इसमें, तो अपन सबसे पहले पेपर सेफिंग अर्थात राजस्थान का इतिहास प्रारंभ करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास बाद में प्रारंभ करेंगे, पहले अपन राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोर्ड पे आपको लिख दिया है राजस्थान का इतिहास बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। अपन राजस्थान से, राजस्थान जिसका गौरवमय इतिहास रहा है, इसके बारे में किद्वंतियां चलती हैं, कहानियां चलती हैं, किस्से चलते हैं, सब कुछ। राजस्थान की जो आबोहवा है उसमें त्याग, शौर्य, वीरता, सुरता, हर साइड से राजस्थान का इतिहास सर्वांगीण इतिहास है। तो अपन राजस्थान के इतिहास की जहां बात करें, तो राजस्थान का जो अपना इतिहास है, इस इतिहास के बारे में तो साहब देवताओं की मान्यता ये रही है, जैसे एक लेख में मैंने पढ़ा था कि खुद भगवान शंकर और माँ पार्वती, उन्होंने भी एक इच्छा जाहिर की थी कि मेरा भी अगर आगे भविष्य में अगर मुझे अवतार लेना पड़े तो मैं मेवाड़ की तरह पर अवतार लूंगा, हल्दीघाटी के क्षेत्र में अवतार लूंगा। मेरा मतलब कि राजस्थान के इतिहास के अंदर जितना त्याग शौर्य है अपने अपनी जगह सभी इतिहासों में, लेकिन अपन राजस्थान से, राजस्थान का इतिहास एक नंबर है, क्योंकि ये राजस्थान जिसने आज तक जितने भी अपने परिचय दिए हर साइड में एक नंबर दिए। जैसे मैं त्याग की बात करूं, देखो त्याग, प्यारे बच्चों, त्याग जो है वो राजस्थान के अंदर अपन त्याग कि आपको खूब सारे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण जो मैं आपको बताऊं, पन्ना का ले सकते हैं। पन्ना नाम सुना है ना, आपने पन्ना धार, पन्ना धार, ये पन्ना धार मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की धार मात्र, अर्थात राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की धार। मैं कह सकता हूँ कि पन्ना ने उदय सिंह की परवरिश की, पन्ना ने उदय सिंह की परवरिश की, पन्ना ने यशोदा का रोल अदा किया, भूमिका अदा की, क्योंकि उदय सिंह का जन्म राणा महाराणा सांगा की रानी ने दिया, लेकिन लालन पालन किसने किया, पन्ना ने किया। और इसी पन्ना के एक मित्र और था जिसका नाम था चंदन। क्या नाम था? चंदन। बताया जाता है कि साहब, मैं त्याग की बात कर रहा हूं, बताया जाता है कि साहब जब बनवीर जो अपनी कुटिल चालों के माध्यम से मेवाड़ के सिंहासन पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है, और उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि मैं कैसे भी करके उदय सिंह को खत्म कर दूं, समाप्त कर दूं इसको, और फिर इस मेवाड़ के सिंहासन पर मेरा अधिकार हो जाए, इस बात का आभास पन्ना को हुआ।
तो पन्ना ने क्या किया साहब, विदेशी की सारी जो चाल चली थी ना उसने, सॉरी बनेवीर की जो चाल चली थी ना, बनेवीर विदेशी को खत्म करने के लिए जो चाल चली वो सारी की सारी धराशायी कर दी, और उसने साहब विदेशी को तो बचा लिया और इसको चंदन का त्याग कर दिया, अर्थात अपने पुत्र का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। राज धर्म को बचाने के लिए अपने पुत्र का त्याग किया, ऐसी शख्सियत, ऐसी महिला नेत्री अगर इस भारत को मिली तो साहब वो पन्ना थी। त्याग की साहब बात करें अपन तो राजस्थान में त्याग के खूब सारे उदाहरण मिल जाएंगे। एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको, देखो त्याग का इसी मेवाड़ के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा राजस्थान का विषय बेसिकली नॉलेज बता रहा हूँ आपको। देखिए आपने महाराजा लाठा का नाम सुना, महाराणा लाठा जो अपनी मेवाड़ की थी, लाठा का एक पुत्र था, लाठा की कई रानियां थी, एक रानी का पुत्र था जिसका नाम था राव चूड़ा, राव चूड़ा। लाठा का बुढ़ापे में आकर जब वो वृद्ध था, बुढ़ा था, उस समय उसका विवाह हुआ था मारवाड़ के रणमल राठौर, मारवाड़ के कौन थे, रणमल राठौर की बहन जिसका नाम था अंसाबाई, क्या नाम था अंसाबाई। उसके साथ बुढ़ापे में लाखा अर्थात लक्ष्य सिंह का विवाह हो जाता है, ठीक है। ये विवाह किस शर्त पर हुआ, कंडीशन थी, शर्त थी, ये विवाह किस कंडीशन पर हुआ, रणमल राठौर ने राणा लाखा को बताया कि साहब मैं मेरी बहन का विवाह तभी करूंगा कि आप मुझे गारंटी दे कि अंसा की कोख से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का वारिस बने, मेवाड़ का क्या बने, वारिस बने। और साहब यही लाखा ने सोचा, लाखा ने कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्योंकि लाखा की ऑलरेडी बड़ा बेटा था कौन, रावचूड़ा, और रावचूड़ा जो था ना वास्तव में योग्य था, योग्य था। तो रावचूड़ा ने हिसाब से देखा जाए तो रावचूड़ा ही मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे, लेकिन यहाँ रणमल राठौड़ ने शर्त लगा दी कि अंसा की कोख से जो जन्मेगा वो ही साहब मेवाड़ का वारिस बनेगा, मेवाड़ का राजा बनेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह आ गई, लाखा ने हाँ नहीं बोली किसकी कंडीशन की, कि भाई अंसा का पुत्र ही मेवाड़ का राजा बने। फिर क्या किया इस लाखा ने, लाखा आ गया, मुंह इसका उतर गया, शादी हो नहीं सकती क्योंकि कंडीशन रणमल राठौड़ ने ऐसी ही डाल दी, शादी हो नहीं सकती। अब जैसे इसका मुंह उतरा, बेटे चूड़ा ने पिताजी की तरफ देखा तो वो अचंभित हुआ कि मेरा पिता जिसका मुंह उतरा हुआ है, लटका हुआ है, क्या बात हुई। तो उसने आकर कहा, बोले पिताजी क्या बात है, तो सारा माजरा सारी कहानी लाखा ने चूड़ा को समझाई, बोले यार ये हुआ। तो चूड़ा ने उसी समय पर छोटी सी बात के लिए आप अपना मुंह लटकाए आ गए, अरे बोलो ना अंसा का पुत्र ही मेवाड़ का क्या बनेगा, वारिस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आज शपथ लेता हूँ, सौगंध खाता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अर्थात कौमारा करूंगा, और मरते दम तक मेवाड़ के सिंहासन पर चाहे कोई भी रहे मैं उसी की हिफाजत करूंगा। आपको बता दूं राजस्थान के इतिहास के अंदर राव चूड़ा को विषम पितामह कहा जाता है, प्रश्न ध्यान से सुन लेना, राजस्थान के इतिहास में राव चूड़ा को क्या कहा जाता है, विषम पितामह कहा जाता है। तो साहब ऐसे ऐसे त्यागी लोग राजस्थान में हुए, तो जिन्होंने अपना सर्वत्र अपने देश में धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, बड़ा गौरवमय इतिहास है राजस्थान का इतिहास। वास्तव में देखा जाए राजस्थान के इतिहास के अंदर हमेशा से ये जितने भी वर्तमान चलते हैं एक से बढ़कर एक है, और देखो जी राजस्थान का इतिहास है ना, इसके ऊपर हमेशा से है ना अपने यहाँ खूब सारे लोग ये जो चलते हैं ना वास्तव में सही और सटीक में है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ बच्चों, तीन देवियां हैं, तीन देवी, और उन तीनों देवियों की कृपा दृष्टि अपने राजस्थान में फूल रही। देखो विद्या की देवी कौन है, सरस्वती, विद्या देने वाली माता है, ठीक है। धन वैभव लक्ष्मी, धन कौन सी माता देती है, लक्ष्मी देती है, और ताकत वीरता सूरता ये कौन सी देवी देती है, दुर्गा, दुर्गा। विद्या धन और ताकत
तीनों की देने वाली देवियां कौन कौन है? सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। सबसे खास बात यह रही कि तीनों देवियों की कृपा दृष्टि अपने राजस्थान पर रही। तीनों देवियों की जो कृपा दृष्टि है ना, वो अपने राजस्थान के ऊपर रही है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, राजस्थान के लोग बाग जितने भी हैं, देश की सावर में कमाते हैं। राजस्थान के लोग बाग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहे हैं। आप इंग्लिश आई टी के भी यहाँ पर खूब सारे विद्यार्थी बैठे हैं, खूब सारे विद्यार्थी वीडियो देख रहे होंगे। अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर खूब सारे विद्वान हुए हैं जो जिन्होंने अपनी मायड़ भाषा को, राजस्थानी भाषा को साहब बहुत आगे तक लेकर गए हैं। कन्हैयालाल सेठिया का नाम सुना होगा आपने, मूनोत नैन सिंह का नाम सुना होगा आपने, मिसल देव का नाम सुना होगा आपने, चंद्र बरदाई का नाम सुना होगा आपने। अरे इनकी कृपा थी किसकी? सरस्वती माता, इन पर कृपा थी। और आपने शायद सुना होगा एक अपना 15 अगस्त 26 जनवरी और भी कोई भी देश और धर्म के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर गाना गाया जाता है ना, लता मंगेशकर की आवाज वाला कौन सा, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं याद करो। कितना ये पता है किसका लिखा? कवि प्रदीप का, जो अपने साथ शेखावाटी के थे, जुड़ के थे। तो राजस्थानियों ने साथ अपना बहुत अच्छा दमखम दिखाया है। दिखाया क्यों है? सरस्वती माता की कृपा दृष्टि खुले मन से। दूसरी बात करते हैं किसकी? लक्ष्मी की। देखो राजस्थान का इतिहास फेमस क्यों है, राजस्थान का इतिहास गौरवमय क्यों है? तो इन देवियों की काफी प्रभावशाली अपने ऊपर जो आशीर्वाद है ना वो रहा है। लक्ष्मी की बात करें, आज अपने राजस्थानी लोग हैं खूब सारे जो बजाज ग्रुप शिखर काशी का बास से निकला हुआ बजाज, जमनालाल बजाज, आज बजाज ग्रुप चिड़ावा पीरामल बिड़ला जी और स्टील किंग लक्ष्मी निवास लक्ष्मीकांत मित्तल जो चूरू के हैं, डालमिया, ये सारे सिंगानिया, इन लोगों की जो हमेशा से रही लक्ष्मी माता की कृपा रही है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत, राजस्थानी की सबसे बड़ी खासियत क्या रही है? अपने मातृभूमि को छोड़कर ये लोग बाहर गए कमाने के लिए, देश की सावर में गए, ऐसी ऐसी जगह पर गए हैं पूर्वोत्तर के राज्य, राजस्थान राजस्थान के इतने लोग मिल जाएंगे साहब, उन वो लोग वहां से पैसे कमाए उन्होंने अपने यहाँ पर गाँव में, इन शहरों में। आज देखो अपने यहाँ पर स्कूलें देखो, धर्मशाला देखो, चिकित्सालय देखो, ज्यादातर इन लोगों की तो बनाए हुए शेठ साहूकारों की। तो इनका स्नेह रहा ना, लगाव रहा मातृभूमि से। जिस कॉलेज में अपन पढ़ते हैं, जिस कॉलेज का नाम श्रीमती गोमती देवी पीजी महाविद्यालय पढ़ागा, ये आज की कॉलेज नहीं है। मुझे ये शायद झुंझुनू जिले की ग्रामीण अंचल की शायद पहली कॉलेज होगी जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि 1970 में ये कॉलेज स्टार्टेड है, 1970 में प्रारंभ हो गई थी। बड़ा गांव चुनाव तो ग्राम पंचायत के उसमें कॉलेज बन गई और सेठों की बनाई हुई है। आज देखो इस आसपास के क्षेत्र के कितने विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर निकले, ऊंची ऊंची पोस्ट पर गए हैं और वहाँ पर उन्होंने देश में धर्म की सेवा की है, वहाँ पर उन्होंने ईमानदारी से नैतिकता से ये जगह मिली ना, तभी ना सेठों का योगदान है। साहब लक्ष्मी की बहुत अच्छी कृपा रही है और ये कृपा जो रही है लक्ष्मी की, इससे इन लोगों के पास 2 रुपये आए, इन्होंने अपने गाँव में लगाई, कितने कितने देवालय बने हुए हैं। तो अपने ऊपर लक्ष्मी की भी खूब अच्छी कृपा दृष्टि रही है। तीसरा शक्ति की जहाँ पर बात करें, दुर्गा साहब युद्धों में जाते थे पहले राजा महाराजा, तो शक्ति के उपासक हुआ करते थे और वो शक्ति की पूजा करते थे। तो तीसरी देवी दुर्गा माता की भी अपने ऊपर खूब कृपा दृष्टि रही है साहब। बड़े बड़े युद्ध, बड़ी बड़ी सत्ताओं के साथ युद्ध होना, साधन अपने पास क्या है? राजस्थान में वैसे आपके को समृद्धशाली क्षेत्र नहीं है राजस्थान। राजस्थान में बताया जाता है कि 10 साल में से 9 साल तो अकाल पड़ता है, 1 साल जमाना हो जाता है। आप राजस्थान के मारवाड़ वाले क्षेत्र में जाओगे वहां तो खेती, अब तो चलो नहर वगैरह भी आ गई, पानी की व्यवस्था हो गई, नहीं पहले तो सिर्फ एक ही खेती होती थी बाजरी वाली। फिर भी अपने लोगों ने, राजस्थानियों ने साहब कभी भी राजस्थान की जो धाक थी, शक्ति थी, उसको कभी धूमिल नहीं होने दिया। तो दुर्गा की भी अपनी प्रकृति कृपा दृष्टि रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देखा ठीक है तो खूब सुना है, आगे को पढ़ाएंगे माना प्रताप जी का जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे आपको। माना प्रताप के पास क्या साधन था बेचारे के पास? बहुत छोटी सी नाम मात्र की सेना, न इतना साधन संपन्न, और मुगल बादशाह अकबर उससे संघर्ष करना, उससे युद्ध करना, वो भी हल्दी का ठीका, एक तरफ कम सेना दूसरी तरफ ज्यादा सेना। लेकिन देखो इतिहास गवाह है,
कम से ना होते हुए भी महाराणा प्रताप ने अकबर को बता दिया कि हम राजस्थान के हैं, राजपुताने के हैं साहब, हमारे से बचकर रहा करो, देश के ऊपर दिक्कत आएगी तो हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। आपने सुना होगा खानवा का 1527, एक तरफ राणा संग दूसरी तरफ बाबर। अब आपको पता है बाबर जिसने पानी से 26 में पानीपत का युद्ध लड़ा था, उसने अपना लोहा सिद्ध कर दिया, उसने अपनी ताकत दिखा दी, फर्स्ट क्लास तोप खाना था एक नंबर का, तुलगमा पद्धति थी, लेकिन सारी की सारी पद्धतियां दरी रह गई। राणा सांगा भी कमजोर नहीं था 80 साल की उम्र में साहब, उसने भी इसमें खानवा के युद्ध के अंदर बाबर को बता दिया कि यहाँ उदार नहीं है, ये राजस्थान ने दिया। बहुत सारे ऐसे युद्ध आपको मैं बता दूं जिसमें कम साधन होते हुए भी अपने लोगों ने साहब संघर्ष किया है। ये दुर्गा का ही मुख्य रोल है, क्योंकि इस माता ने भी अपने को खूब आशीर्वाद दिया। दूसरी बात, जिस जिले में अपन बैठे हैं, मुझे गर्व है मैं झुंझुनू जिले का हूँ, मेरा जन्म झुंझुनू जिले में हुआ, जिस जिले की पहचान आज पूरे भारत के अंदर सैनिकों की खान के रूप में होती है साहब। जितने झुंझुनू जिले में सैनिक हैं उतने तो कई राज्य के, दो दो राज्यों के पूरे मिलाकर नहीं है। ये गर्व की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं उस झुंझुनू का हूँ जिस झुंझुनू पर दुर्गा की हमेशा से कृपा दृष्टि रही है। आर्मी के मेडल की बात करें, आपने भारतीय सेना में परमवीर चक्र सबसे ऊंचा है, एक नंबर पर परमवीर चक्र आता है पीरू सिंह, ये सौभाग्य भी अपने को मिला हुआ है। बहुत सारे वीर चक्र, महावीर चक्र खूब सारे, और कोई सा भी युद्ध देख लो, चाहे विश्व प्रथम विश्व युद्ध देख लो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध देख लो, चाहे आजादी का संग्राम देख लो, चाहे आप 1948 का कबाली आक्रमण जो हुआ था कश्मीर में वो देख लो, चाहे 62 की चाइना की लड़ाई देख लो, 65 की पाकिस्तान की देख लो, उसके बाद में आप चाहे 73 की बांग्लादेश वाली देख लो, उसके बाद में चाहे आप ऑपरेशन ब्लू स्टार जो स्वर्ण मंदिर के ऊपर चलाया था वो देख लो, चाहे कारगिल की देख लो, चाहे चाइना की देख लो, चाहे पाकिस्तान की छोटे छोटे वारदाताएं देख लो, मेरे झुंझुनू का कोई ना कोई वहां मौजूद मिलेगा। पर साहब झुंझुनू पर दुर्गा की भी कृपा रही है, मुझे बड़ा गर्व है कि अपन उस राज्य के निवासी हैं जिस राज्य का नाम सभी लोग भारत के विदेशों के बड़े सम्मानित ढंग से लेते हैं। और अपनी आप अगर देखें, आए रही मेहमान नवाजी देखी, राजस्थान है उसका तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान का जो सिस्टम है, राजस्थान विदेशी पर्यटक खूब आते हैं साहब, भारत में जो घूमने के लिए आता है ना, और उसकी हमेशा से दिल्ली तमन्ना रहती है कि मैं राजस्थान में घूमूं, क्योंकि राजस्थान की जो कल्चर है, राजस्थान की संस्कृति है, वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये धरती दोनों वाली है, धरती दोहरानी है। राजस्थान की भूमि के लिए, राजस्थान के लिए खूब सारे कवियों ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से खूब लिखा है। यो है मारो राजस्थान, मारा खेदारो मिजवान, ऊंचा नीचा डूंगरी का, ऊंची नीची गाड़ियां, खेत बुखारी करे खेजड़ा, गंगा ले लाठियां। अर्थात इस राजस्थान की इस मायड क्षेत्र को साहब सभी ने अपनी लेखनी के माध्यम से खूब इसकी प्रशंसा की, प्रशंसा के लायक भी है। आपको पता है केसरिया बालम पदारो नी मारे देश, अपन लोग आकर्षित करते हैं। ये जो धरती दोनों की है ना, ये धरती दोनों की, आपने देखा होगा टीले होते हैं, टीबा जिसको अपनी भाषा में टीबा बोलते हैं, टीला बोलते हैं, भर बोलते हैं, उनके ऊपर छोटे 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 दोहरे से होते हैं, ये धरती दोनों वाली है। इस धरती दोनों वाली का जो इतिहास है साहब, ये अग्रणी इतिहास है, वो सौभाग्य अपने को ये बार फर्स्ट ईयर में मिल रहा है। अपन इस राजस्थान जो आज भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से एक नंबर पर है, और वैसे राजस्थान के बारे में आप लोगों को जितना बताया जाए वो कम है, क्योंकि अपन बड़े मेहनती हैं, अपन देश और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अपने को गर्व है कि अपन इस राजस्थान के निवासी या बासिंदे, यहाँ के राजा महाराजाओं की कहानियाँ, इससे माएँ अपने पुत्रों को सुनाती क्यों सुनाती हैं, बेटा तेरे को प्रताप बनना है। अरे एक चीज मैं भूल गया, भक्ति की ना बात करें, मैं मानता हूँ कि जब तक राजस्थानियों में भक्ति रहेगी ना, तब तक धर्म और संस्कृति लुप्त नहीं हो सकती, क्योंकि राजस्थान के लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। वे अपने को एक सौभाग्य और याद आ गया बता दूं आपको, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, बहुत अच्छी तरह इनका भी संबंध अपने राजस्थान से खूब रहा है। 3 बार आए थे खेत,
स्वामी जी तीन बार खेत गए थे महाराज राजीव सिंह जी के पास से। तो जो वो स्वामी जी जिन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो के अंदर पताका फहराई थी भारतीयता की, वो भी राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक सौभाग्य अपने को मिला हुआ है अपने राजस्थान की। ये राजस्थान की भूमि, ये सालासर बाबा की भूमि है, ये खाटू श्याम धनी की भूमि है, ये रुणीसा वाले रामसा पीर की भूमि है, ये गोगा मेड़ी की भूमि है। अर्थात कहीं भी जाओ राजस्थान के अंदर तीज तिवार, अरे वो राजस्थान के तीज तिवारों के बारे में जितनी बातें हम करें उतनी कम है साहब। यहाँ तो हर एक दिवस, एक तिथि, एकम से लेकर अमावस्या तक, एकम से लेकर पूर्णिमा तक हमेशा ही तीज त्योहारों का सा माहौल होता है। अपन लोगों ने इस राजस्थानी संस्कृति के अंदर जो सीखा है वो अपने पूर्वजों की देन है, मुझे गर्व है। अपन उस राजस्थान के इतिहास की बात करें तो प्यारे बच्चों, राजस्थान के इतिहास का जो अपना चैप्टर है वो अपन प्रारंभ करेंगे और आगे के वीडियो में आपको मैं पूरा सिलेबस बताऊँगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।